एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। उस रास्ते पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे थे। किसी भी शिष्य ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक शिष्य बोला, इस रास्ते पर इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? ये गड्ढे किसने बनाए? महात्मा बुद्ध ने कहा, ये गड्ढे एक किसान ने बनाए थे। वो यहाँ पर पानी की तलाश कर रहा था। तब उस शिष्य ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि अगर मेहनत करने पर सब कुछ मिलता है तो उस किसान को यहाँ पर पानी क्यों नहीं मिला? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, उसको यहाँ पर पानी मिल जाता, लेकिन उसने सही तरीके से मेहनत नहीं की। अगर वो सिर्फ उसी जगह पर खोदता रहता जहाँ पर उसने सबसे पहले खोदना शुरू किया था तो उसको पानी मिल जाता, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए उस जगह पर खोदा, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह पर खोदा और वो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी जगह बदलता गया और इसीलिए उसकी ऊर्जा खत्म हो गई और वो पानी नहीं ढूंढ पाया। अगर वो बस एक गड्ढे को खोदता रहता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। और हमारे साथ भी जिंदगी में यही चल रहा है। हम एक चीज फिक्स नहीं करते, हम हर फील्ड में हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो आपको सबसे पहले एक चीज डिसाइड करनी होगी। और याद रखिए, हो सकता है आपको शुरू शुरू में मुश्किलों का सामना करना पड़े, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप उस रास्ते पर चलते रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको एक चीज पर फोकस करना सीखना होगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप एक चीज पर फोकस करना सीख जाओ तो आप सफल जरूर बनेंगे।